अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है म्यूटेशन। जेनेटिक का एक टॉपिक हम आज पढ़ेंगे, दैट इज म्यूटेशन। सो लेट्स सी कि म्यूटेशन क्या होता है। एनी सडन चेंज इन द सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लिक एसिड ऑफ द जीनोम ऑफ एन ऑर्गेनिज्म वायरस आर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए। म्यूटेशन क्या होता है? एक सडन चेंज होता है, एक अचानक से एक चेंज आ जाती है, तब्दीली आ जाती है सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लिक एसिड में। अब न्यूक्लिक एसिड क्या है? न्यूक्लिक एसिड डीएनए भी हो सकता है, न्यूक्लिक एसिड आरएनए भी हो सकता है ऑफ द जीनोम ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। किसी भी ऑर्गेनिज्म में ये चेंजेस अकर हो सकती है, वो प्लांट्स भी हो सकते हैं, वो एनिमल्स भी हो सकते हैं, वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी हो सकते हैं, वायरस भी हो सकता है। वायरस जो है दैट इज लाइंग बिटवीन द बॉर्डर ऑफ दैट इज लाइंग ऑन द बॉर्डर ऑफ लिविंग थिंग्स और जो नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं उसके बॉर्डर पे होता है, तो उसमें भी अगर चेंजेस आ रही है उसको भी हम म्यूटेशन कहेंगे, क्योंकि वायरसेस में भी डीएनए और आरएनए मौजूद होता है। तो डीएनए और आरएनए में कोई चेंज आ रहा है, उसके सीक्वेंस में कोई चेंज आ रहा है, वहां पे जो न्यूक्लियोटाइड्स है उसके नंबर में कोई चेंज आ रहा है, इवन क्रोमोजोम में चेंज आ रहा है, क्रोमोजोम के नंबर में चेंज आ रहा है, ये सब क्या होंगे? म्यूटेशन होगा। और एक्स्ट्रा क्रोमोजोमल डीएनए क्या है? ये मोस्टली प्लाज्मिड के फॉर्म में ये प्रेजेंट होता है, बैक्टीरिया वगैरह में ये मौजूद होता है। तो म्यूटेशन जो है ये बेसिकली चेंज है न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस में। न्यूक्लियोटाइड्स कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं? डीएनए में मौजूद होते हैं और आरएनए में मौजूद होते हैं। वहां पे किसी बेस की एक बेस डिलीट हो जाता है लेट्स सपोज, या एक्स्ट्रा एड हो जाता है, या सब्स्टिट्यूशन हो जाती है, चेंज हो जाता है, तो उन सारे चेंजेस को हम कहते हैं म्यूटेशन। अब ये जो म्यूटेशन है इसके रीजंस क्या है, इसके कॉजेस क्या है, ये म्यूटेशन होता क्यों है? तो म्यूटेशन जो है ये बेसिकली यहाँ पे हमने फाइव रीजन को मेंशन किया है, जिसमें फर्स्ट वन है रेडिएशन। अब ये रेडिएशन जो है ये सनलाइट से रिलीज होने वाली भी हो सकती है, और ये जो हम मशीनरी यूज करते हैं डिफरेंट पर्पसेस के लिए, उससे निकलने वाली एक्सरेज, गामा रेज और बीटा रेजेस भी हो सकती हैं। इसके अलावा जो वायरसेस हैं लेट्स सपोज वो किसी दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर इंटर हो गए हैं, तो वो भी म्यूटेशन कॉज कर सकते हैं। ट्रांसपोजिंग ऑफ, इसको हम कहते हैं कि ये स्मॉल सेगमेंट ऑफ डीएनए है जो कहां पे न्यूक्लियस में ये मूव कर रहा होता है फ्रीली, तो लेट्स सपोज ये कहीं पे अटैच हो गया है, किसी ऐसी जगह पे अटैच हो गया है जहां के जो न्यूक्लियोटाइड्स है या न्यूक्लिक एसिड्स है उस पे ऐसी पोजीशन पे अटैच हो गया है जिसने आगे जाके प्रोटीन सिंथेसिस करनी है, तो फिर क्या होगा कि उस प्रोटीन की जो जब जीन की एक्सप्रेशन होगी तो ऑफकोर्स उसमें चेंजेस आएंगी। सो म्यूटेशन की एक रीजन ट्रांसपोजोन्स भी हो सकते हैं, म्यूटोजेनिक केमिकल्स भी हो सकते हैं, ऐसे केमिकल्स जो म्यूटेशन कॉज करते हैं उसको हम म्यूटोजेनिक केमिकल्स कहते हैं, और लाइक कैफीन है इस तरह, और बहुत सारी चीजें हैं जो कि क्या करती हैं, जो कि म्यूटेशन कॉज करती हैं। और फिफ्थ वन रीजन है एरर ड्यूरिंग मियोसिस और डीएनए रिप्लिकेशन, यानी कि कुछ एरर्स ऐसे होते हैं जो कि नेचुरली होते हैं, जब मियोसिस होती है वहां पर, जब क्रॉसिंग ओवर होती है उस टाइम पे कोई चेंजेस आ जाती है डीएनए के सीक्वेंस में, या जब डीएनए की रेप्लिकेशन हो रही होती है वहां उस टाइम पे बेसिस में कोई चेंजेस आ जाती है, तो वो भी एक रीजन हो सकता है। अब ऐसे एजेंट्स, एजेंट्स मींस ऐसे थिंग्स जो कि क्या कर रहे हैं, म्यूटेशन कॉज कर रहे हैं, ये सारी चीजें जो हमने कॉजेस में पढ़ी इनको हम क्या कहते हैं, ऐसे एजेंट्स को हम कहते हैं म्यूटेजेंस। म्यूटेजेंस क्या है? हर वो चीज जो म्यूटेशन कॉज करे उसको हम कहते हैं म्यूटेजेंस। अब वो ऑर्गेनिजम्स जिनमें म्यूटेशन हो जाती है उनको हम क्या कहते हैं, तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम कहते हैं म्यूटेंट्स। ठीक है, म्यूटेंट्स क्या है? हर वो ऑर्गेनिज्म जिसमें म्यूटेशन हो जाती है, जिसके डीएनए के सीक्वेंस में कोई चेंज आ जाती है उसको हम कहते हैं म्यूटेशन। अब ये जो म्यूटेशन है या जो म्यूटेंट ऑर्गेनिज्म है, जरूरी नहीं है कि अगर किसी ऑर्गेनिज्म के डीएनए में चेंजेस आ रही हैं तो वो नेगेटिव होंगी, कभी कभी पॉजिटिव चेंजेस भी आ सकती हैं। मोस्टली हमारे प्लांट्स में जब कोई उसमें म्यूटेशन होती है तो वो पॉजिटिव होती है, उसके रिजल्ट में वो हमें ज्यादा यील्ड देते हैं या क्वालिटी फ्रूट की अच्छी हो जाती है। तो म्यूटेशन पॉजिटिव भी हो सकती है, म्यूटेशन नेगेटिव भी हो सकती है। ओके, अब कुछ म्यूटेशन ऐसी होती हैं जो कि रेयर होती है, इतनी पॉपुलेशन में कॉमन नहीं होती, जबकि कुछ ऐसी होती है कि कॉमन होती है, मोस्टली वो हम देखते हैं, वो चेंजेस हमें नजर आती हैं। हर वो म्यूटेशन जो कि अकर हो मोर देन 1% ऑफ पॉपुलेशन में, अगर पॉपुलेशन में 1% से ज्यादा कोई म्यूटेशन अराइज हो रही है तो उसको हम कहते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म क्या है? जब म्यूटेशन जो है वो अकर हो इन मोर देन 1%, मोर देन 1% ऑफ पॉपुलेशन, तो वो होगा पॉलीमॉर्फिज्म। अब ये जो पॉलीमॉर्फिज्म है ये इतना कॉमन हो जाता है और इसको कंसिडर किया जाता है नॉर्मल वेरिएशन, यानी कि मोस्टली ये जो वेरिएशन आती हैं, ये जो चेंजेस आती हैं पॉलीमॉर्फिज्म के रिजल्ट में, इसको नॉर्मल कंसिडर किया जाता है। एग्जांपल है इसकी हमारे पास आई कलर, लेट्स सपोज नॉर्मल आई कलर जो है वो अगर ब्लैक है और वेरिएशन आ गई, चेंजेस आ गई, म्यूटेशन हो गई, डीएनए की सीक्वेंस इधर उधर हो गई, तो उसके रिजल्ट में आई कलर जो है वो किसी की ब्राउन है, तो इसको नॉर्मल कंसिडर किया जाता है, अगर ब्लैक की जगह ब्राउन है या ग्रीन है या ब्लू है तो आई कलर हो सकता है। इसके एग्जाम्पल में हेयर कलर हो सकता है, और जो ब्लड टाइप है दैट इज ऑल्सो कंसिडर एज द रिजल्ट, एज अ रिजल्ट ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म।